किसे करेंगी नोरा फतेही रिप्लेस, किसके मूड पर डिपेंड करती है फिल्म की शूटिंग, क्यों बड़ी ऋतिक रोशन की डिमांड। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। क्रिश 4 के डायरेक्टर को लेकर काफी दिनों से मेकर्स और ऑडियंस में लुका छिपी चल रही है, लेकिन फाइनली अब ये सभी को पता चल गया है कि फिल्म क्रिश 4 को कोई और नहीं बल्कि अग्निपथ फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म क्रिश की शुरुआत राकेश रोशन ने की थी, और तो और दोस्तों फिल्म की हर सीरीज की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। अब राकेश जी की बड़ी उम्र को देखते हुए ऋतिक रोशन ने ये फैसला लिया है कि अब राकेश जी सिर्फ कहानी लिखेंगे, बाकी फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी वो करण मल्होत्रा को देंगे। भाई राकेश जी और ऋतिक का करण के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, तो वो जानते हैं कि करण क्रिश 4 बनाने में अपनी जी जान लगा देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि फिल्म एक नया रिकॉर्ड बनाए। दोस्तों अब लेट से ही सही, आखिर क्रिश फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने सच्चाई बता ही दी, और वो सच्चाई ये है कि उन्होंने फिल्म क्रिश 4 की कहानी साल 2020 में लिखना शुरू कर दी थी और अब उनके पास फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। राकेश जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते थे कि ये बात ऑडियंस को बता दी जाए, लेकिन वो नहीं बता पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते तो ऑडियंस से पहले मीडिया वाले उनसे हजारों सवाल जवाब करते। राकेश जी ने किसी को विकास करने के बारे में नहीं बताया था, यहाँ तक कि उनके अपने बेटे ऋतिक रोशन को भी नहीं। पर अब जब मेकर्स तैयार हैं फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ, तो राकेश जी ने सभी को ये बात बता दी। राकेश जी ने फिल्म क्रिश 4 से जुड़ी ये बात गलती से ऑडियंस के सामने रिवील कर दी थी। अब दोस्तों धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत चाहे तो भी फिल्म क्रिश 4 के मेकर्स किसी भी हाल में कंगना को कास्ट नहीं करेंगे। भले ही क्रिश 3 में कंगना के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन अब मेकर्स कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, इसलिए कंगना को रिप्लेस करने के लिए नोरा फतेही को अप्रोच किया गया है। लेकिन अभी तक नोरा के रोल को लेकर कुछ भी खबरें सामने नहीं आई है। मेकर्स ने साफ बोल दिया है कि वो फिल्म क्रिश 4 के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और रही बात कास्टिंग की, तो मेकर्स कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन को ये लगता है कि क्रिश की असली पहचान उसके पुराने एक्टर्स और एक्ट्रेस से है, इसलिए वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करेंगे। राकेश जी और मेकर्स की बातों से दोस्तों यही लग रहा है कि वाकई क्रिश 4 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। अब फिल्म क्रिश के डायरेक्टर राकेश रोशन जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर उनका बस चले तो वो अभी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फिल्म की शूटिंग ऋतिक रोशन के मूड पर निर्भर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऋतिक खुद सामने से आकर राकेश जी से कहते हैं कि पापा चलिए अब शुरू करते हैं क्रिश फिल्म की शूटिंग, तो उसके अगले ही दिन ऋतिक खुद शूटिंग को करने से मना कर देते हैं, ये बोलकर कि पापा इसे बाद में देखेंगे। इस बार ऋतिक भी काफी सीरियस लग रहे हैं फिल्म को लेकर, इसलिए उन्होंने राकेश जी से वादा किया है कि वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करके क्रिश 4 की शूटिंग शुरू करेंगे, और इस बार वो कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऋतिक रोशन क्रिश 4 के लीड एक्टर होने वाले हैं, तो उनकी अपने कुछ डिमांड्स होंगी ही। ऋतिक ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी डिमांड्स की लिस्ट अपने पापा राकेश रोशन को दे दी है। ऋतिक ने ये भी बताया था कि उनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं है फिल्म को लेकर, वो बस क्रिश के लुक को थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि ऑडियंस को भी क्रिश के लुक में कुछ नया नजर आए। राकेश जी ने ऋतिक की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ एक चीज कही थी, और जो उन्होंने कहा था वो ये था कि अगर उन्हें लगेगा कि वो सारी अननेसेसरी डिमांड्स हैं, तो राकेश जी उनमें से एक भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। भाई दोस्तों ऋतिक भी राकेश जी की इस बात को मान गए और उन्होंने हाँ बोल दिया राकेश जी की शर्त को। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन पंडित।